हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे अधिक वेटेज इसी चैप्टर का है, 10 टू 15 मार्क्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। इन दोनों की मीनिंग एक ही है और जब हम इस चैप्टर को सीए फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं, बीकॉम ऑनर्स के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो इसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है, और जब इसे सीएमए फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं तो इसे हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विद एनुटी कहते हैं। कंटेंट्स लगभग तीनों कोर्स में एक ही है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहें या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कहें, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। एक वर्ड आया फाइनेंस, जो वर्ड हम अच्छी तरह से सुन चुके हैं, मीनिंग भी हम जानते हैं, लेकिन अगर इस वर्ड की एक्चुअल डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो इसमें कहा जाता है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू, उस पर्टिकुलर टाइम में मनी की वैल्यू क्या है, यह है फाइनेंस की डेफिनेशन। जबकि फाइनेंस वर्ड सुनते ही हमें बैंक की याद आ जाती है या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की याद आती है जिससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हमें किसी फंड की जरूरत होगी तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन से या बैंक से वह फंड ले लेंगे। लेकिन फाइनेंस के डेफिनेशन के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसमें कहा जाता है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू, उस पर्टिकुलर टाइम में मनी की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक से मैं 1,00,000 रुपीज लेता हूं लोन, और लोन मैंने अगर 5 ईयर्स के लिए लिया है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर अगर मैं बैंक को रिटर्न करता हूं तो एग्जैक्ट 1,00,000 रुपीज ही तो रिटर्न करूंगा नहीं, कुछ एक्सेस। हमने अज्यूम कर लिया कि अगर बैंक को मैंने रिटर्न किया है 1,20,000, हमने बैंक को 1,20,000 रुपीज क्यों रिटर्न किया, क्योंकि 1,00,000 रुपीज की वैल्यू 5 साल बाद 1,20,000 हो जा रही है, ये हमें बैंक बता रही है। जब हमने 1,00,000 रुपीज का लोन लिया 5 ईयर्स के लिए, तो बैंक ने हमसे कहा कि 1,00,000 रुपीज की वैल्यू क्योंकि 5 साल बाद 1,20,000 रुपीज हो जाएगी, इसीलिए आपको 1,20,000 रुपीज रिटर्न करने। अगर बैंक ने हमसे यह कहा होता कि 1,00,000 रुपीज की वैल्यू 1,50,000 हो जा रही है, तो शायद हम 1,50,000 रिटर्न कर रहे होते, या 1,10,000 अगर वैल्यू होती तो 1,10,000 रिटर्न करते। मीनिंग ये, 1,00,000 रुपीज की वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर 5 साल बाद जितनी बनेगी हम उतना ही बैंक को रिटर्न कर देंगे। 1,00,000 रुपीज 1,20,000 रुपीज हो जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली। अब जरा सोचिए कि 1,00,000 रुपीज की वैल्यू क्या बढ़कर 5 साल में 1,20,000 नहीं हो गई। 1,00,000 रुपीज ही हमने लोन लिया था, अगर बैंक से कोई मेरा नाम लेकर पूछता है कि हमने लोन कितने का लिया है, बैंक तुरंत कह देगी 1,00,000। मेरे से कोई पूछता है कि आपने लोन कितने का लिया है, मैं भी कह दूंगा 1,00,000। लेकिन 1,00,000 रुपीज की वैल्यू 1,20,000 रुपीज हो जा रही है और इसे बनाने में 5 ईयर्स लग गए। एवरी डे कुछ ना कुछ बड़ा होगा, एवरी डे धीरे 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 बढ़ता चला गया और 5 ईयर्स में 1,20,000 रुपीज वैल्यू हो गई, और इसी को हमने यहां रिटर्न कर दिया। यही डेफिनेशन में भी कहा गया था, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू, उस पर्टिकुलर टाइम में मनी की वैल्यू क्या है, इसी प्रोसेस को फाइनेंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि 1,00,000 रुपीज जो हमने लोन लिया है 5 ईयर्स के लिए, 1,20,000 रुपीज रिटर्न कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी वैल्यू को चेंज करते हैं, 1,00,000 से 1,20,000 रुपीज बनने में क्या क्या यूज हुआ, किसकी वजह से चेंज हुआ, ये पहली वजह प्रिंसिपल वैल्यू। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू। सेकेंड फैक्टर, सेकेंड रीजन, टाइम पीरियड, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ, मेथड ऑफ इंटरेस्ट। फोर ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फोर ऐसे रीजंस होते हैं जिसके बेस पर मनी की वैल्यू चेंज हो जाती है। कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल, टाइम फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेथड ऑफ इंटरेस्ट। पहला, हम एक एक को लेकर चलते हैं। पहला फैक्टर है प्रिंसिपल वैल्यू।
ओरिजिनल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड, किसी भी दो पार्टी के बीच में जो इनिशियल फिगर ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता है हम उसी को प्रिंसिपल वैल्यू मान लेते हैं। मेरे और बैंक के इस एग्जाम्पल में 1 लाख रुपीज इनिशियल वैल्यू है तो हम इसी को प्रिंसिपल वैल्यू मान लेंगे। और नो डाउट प्रिंसिपल एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकता है। अगर हमने 1 लाख रुपीज का लोन लिया है तो 1,20,000 रिटर्न करेंगे, अगर ये लोन 50,000 का होता क्या तब भी हम 1,20,000 ही रिटर्न करते? नहीं, शायद उससे कम करते। या अगर ये लोन 5 लाख रुपीज का हुआ होता क्या तब भी हम इतना ही रिटर्न करते? नहीं, उससे अधिक रिटर्न करते। मीनिंग ये अगर सारे फैक्टर्स फिक्स कर दिए जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ाने पर उसके बाद की वैल्यू बढ़ जाएगी, प्रिंसिपल कम करने पर उसके बाद की वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक ऐसा फैक्टर माना गया जिसकी वजह से आगे की वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो और इसे हम इस पूरे चैप्टर में कैपिटल पी से नोट करते रहेंगे। दूसरा फैक्टर आता है टाइम पीरियड। जितने इयर्स के लिए कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता है हम उसी को टाइम पीरियड मान लेते हैं। मेरे और बैंक के इस एग्जाम्पल में टाइम पीरियड 5 इयर्स है। अब अगर टाइम को छोड़कर सारे फैक्टर्स फिक्स कर दिए जाए, मीनिंग 1 लाख रुपीज का ही फिगर है, लोन हमने जब 5 इयर्स के लिए लिया था तब हमने बैंक को रिटर्न किया 1,20,000 रुपीज, अगर ये लोन 2 इयर्स के लिए हमने लिया होता क्या तब भी 120 ही रिटर्न करते? नहीं, उससे कम रिटर्न करते। या अगर ये लोन हमने 10 इयर्स के लिए लिया होता क्या तब भी इतना ही रिटर्न करते? नहीं, इससे अधिक रिटर्न करते। तो मीनिंग ये अगर प्रिंसिपल वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए तो टाइम पीरियड बढ़ाने पर उसके बाद की वैल्यू बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड कम करने पर उसके बाद की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टाइम ही एक ऐसा फैक्टर बना जिसके बेस पर आगे की वैल्यूज चेंज हो सकती या चेंज हो जाएंगी। और इसे हम इस पूरे चैप्टर में स्मॉल टी या स्मॉल एन में से किसी एक से नोट करेंगे। थर्ड फैक्टर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द अमाउंट which is charged by the use of the principal value. Rate of interest एक amount होता है। Meaning है, अगर हमने 1 लाख रुपीज का लोन लिया है, हमने बैंक को एक्सेस कितना दिया है? 20,000 रुपीज। हमने बैंक को 20,000 रुपीज एक्सेस क्यों दिया? मैं तो देना ही नहीं चाहता था। वह इसलिए दिया क्योंकि 1 लाख रुपीज का फिगर मैंने बैंक से लेकर अपने तरीके से यूज किया। अगर लोन पर्सनल है तो कोई पूछने वाला नहीं है कि हमने 1 लाख रुपीज का क्या किया। फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, किसी को डोनेट कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन क्योंकि 1 लाख रुपीज का फिगर हमने 5 इयर्स तक अपने तरीके से यूज किया है, इसीलिए समथिंग एक्सेस हमें बैंक को पे करना है। उसी एक्सेस वैल्यू को इंटरेस्ट कहा जाता है जो परसेंटेज पर कैलकुलेट किया जाता है। जब भी किसी दो पार्टी के बीच में किसी भी इनिशियल फिगर का ट्रांजैक्शन होता है तो उसी समय यह बता दिया जाता है कि यह किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पर हो रहा है। 5%, 10%, 8% कुछ भी हो सकता है। और उसी रेट के बेस पर 20,000 या ऐसा कोई भी फिगर कैलकुलेट किया जाता है जिसे हम इस पूरे चैप्टर में आर से डिनोट करेंगे जो परसेंटेज साइन के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटरेस्ट। There are two types of interest, simple interest and compound interest. Simple interest and compound interest. Simple interest. Interest every year अगर original principal पर ही calculate होता है वह interest simple interest कहा जाता है। Interest every year अगर original principal पर ही calculate हो रहा है तो वह इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज आपने किसी एक बैंक में डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए, 100 रुपीज 3 इयर्स के लिए आपने डिपॉजिट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मान लें। 100 रुपीज आपने डिपॉजिट किया फर्स्ट ईयर में 10%, इसका कितना हुआ 10 रुपीज, तो फर्स्ट ईयर में आपको 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया। सेकेंड ईयर फिर 100 रुपीज पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो अगेन 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर फिर 100 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, अगेन 10 रुपीज का इंटरेस्ट। एवरी ईयर अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसी इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं।
और इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसमें पी प्रिंसिपल वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम पीरियड इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। पी प्रिंसिपल वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम पीरियड इन ईयर्स मैंने कहा। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि क्या सिंपल इंटरेस्ट केवल ईयर्स पर ही कैलकुलेट हो सकता है? नहीं, ये मंथ्स पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और सिंपल इंटरेस्ट को मंथ्स पर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। जितने मंथ्स के इंटरेस्ट की आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वह मंथ्स के जगह पर आप लिख देंगे, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 8 मंथ्स जो आप चाहेंगे। फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या सिंपल इंटरेस्ट केवल मंथ्स पर ही कैलकुलेट हो सकता है या ईयर्स पर ही कैलकुलेट हो सकता है? नहीं, डेज पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और सिंपल इंटरेस्ट को डेज पर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। तो मीनिंग ये कि सिंपल इंटरेस्ट हम ईयर्स के बेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डेज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने डेज का इंटरेस्ट चाहिए वही आप फिलअप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आसान आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वह कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज आपने किसी अकाउंट में डिपॉजिट किया 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम कंपाउंडेड है। तो 100 रुपीज जिसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर में इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 रुपीज। ये 10 रुपीज 100 रुपीज में ऐड हो गया। अब सेकेंड ईयर 100 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या 110 पर? नो डाउट 110 पर होगा, क्योंकि 100 पर कैलकुलेट करने से तो ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। 110 पर, 110 का अगेन 10%, ये हुआ 11 रुपीज। 11 रुपीज फिर आपने 110 में ऐड कर दिया, अब हुआ 121 पर फिर आपने 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, मीनिंग 12.1। इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वही इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट, अमाउंट के जगह पर आप अगर चाहें तो कंपाउंड अमाउंट लिख सकते हैं, कंपाउंड अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल लिख सकते हैं, और इजी हो जाएगा समझना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही जनरली कहा जाता है। अब कंपाउंड अमाउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज किया जाता है P1 प्लस R by 100 raised to power N। फॉर्मूला कंपाउंड अमाउंट का है जिसे हम A से डिनोट करते हैं, P1 प्लस R by 100 raised to power N। अगर इस कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार फिर समझें इन स्टेटमेंट्स को, उसके बाद आगे के टॉपिक्स आपको बताया जाए। चैप्टर है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। फाइनेंस वर्ल्ड के डेफिनेशन के लिए आपको बताया गया द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज दैट मनी हैज टाइम वैल्यू। उस पर्टिकुलर टाइम में मनी की वैल्यू क्या है, मनी की वैल्यू क्या है, इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग आज जिस अमाउंट की वैल्यू, जिस प्रिंसिपल की वैल्यू 100 है, आज के 2 साल बाद 100 नहीं रह जाएगी, 200 हो जाएगी, 250 हो जाएगी। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग यह है कि मनी की वैल्यू एवरी डे इंक्रीज हो रही है। 100 रुपीज आपने पॉकेट में रख लिया, शाम तक उसकी वैल्यू बढ़ गई, चाहे वह 10 पैसे ही बढ़ी हो। सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे होगा पॉकेट में। बिल्कुल सही बात है, मनी की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, हम देख नहीं पाते। और हमारी मनी की वैल्यू एक्चुअली कितनी हुई यह बैंक हमें बता देती है, पॉकेट में नहीं बढ़ती। और बैंक इसके लिए हमसे कमीशन भी चार्ज करती है। 100 रुपीज की वैल्यू 1 साल बाद हमारी कितनी बनी है ये बैंक बताती है, और बैंक इसके लिए कमीशन चार्ज कर लिया, हम उसी बात को बिलीव कर लेते जितना बैंक हमें बताती है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान ले आपने 10,000 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट किया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, 6 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट किया,
हम ये जानते हैं 7 to 8 years में डबल या उससे कम कुछ मिलता है। 6 years के लिए जब आपने डिपॉजिट किया तो आपको ये मिला 16,000। 10,000 आपने डिपॉजिट किया 6 years में 16,000, तो 10,000 तो आपका प्रिंसिपल ही था। इसकी मीनिंग 6 years में आपकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? 6,000 बढ़ गई। 6 years में अगर 6,000 बढ़ रही है तो 1 year में ये वैल्यू कितनी बढ़ी होगी? 1,000। 1 year की मीनिंग 12 months में ये वैल्यू बढ़ गई कितनी? 1,000। तो 1 month में ये वैल्यू कितनी बढ़ी होगी? 1,000 डिवाइडेड बाई 12, ये आता 83.33 रुपीज बढ़ गई। 1 month की मीनिंग 30 days, तो 1 day में ये वैल्यू कितनी बढ़ी होगी? 83.33 डिवाइडेड बाई 30, ये आता है अप्रॉक्स 2.77। हम यहां यूज कर रहे हैं 2.75। अब जरा समझें, 10,000 रुपीज की एक दिन की वैल्यू कितनी बढ़ जा रही है? 2 रुपीज 75 पैसे। कभी कभी ऐसा होता है 10,000 हम पॉकेट में 2 दिन तक रखे रह जाते हैं। इसकी मीनिंग उसकी एक्चुअल वैल्यू एवरी डे 2.75 बढ़ चुकी है, मीनिंग 2 रुपीज 75 पैसे बढ़ चुकी है। इसके रेट्स में 2 दिन में जितनी वैल्यू हुई बढ़ गई। अब क्वेश्चन क्या था फाइनेंस की डेफिनेशन के बेस पर, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मनी की वैल्यू को बढ़ाते हैं। कितने फैक्टर्स मिले आपको? 4 फैक्टर्स मिले। प्रिंसिपल, टाइम फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मेथड ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है? वह ओरिजिनल फिगर जो किसी दो पार्टी के बीच के ट्रांजेक्शन में यूज किया जा रहा है। मेरे और बैंक के इस एग्जांपल में 1 lakh है। अगर आप किसी से 1,000 रुपीज लेते हैं तो 1,000 प्रिंसिपल वैल्यू मान ली जाएगी। आपने किसी को 10,000 रुपीज दे दिया जैसे इस एग्जांपल में, तो 10,000 रुपीज प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकता है। जरा एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर 10,000 रुपीज आपने डिपॉजिट किया तो 1 साल में आपकी वैल्यू 1,000 रुपीज बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये वैल्यू 1,000 रुपीज की होती तो कितनी बढ़ती? 100 रुपीज बढ़ जाती। और अगर 1 लाख रुपीज होती तो 10,000 बढ़ जाती 1 साल। तो प्रिंसिपल बढ़ाते जाए वैल्यू बढ़ जाएगी, कम कर दो कम बढ़ेगी। तो प्रिंसिपल एक ऐसा फैक्टर है जो किसी वैल्यू को चेंज कर सकता है, ये हमने प्रूव कर लिया। चलिए जी आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? टाइम फैक्टर। टाइम जितने इयर्स के लिए आप ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं वही टाइम पीरियड होता है। इस एग्जांपल से देखते हैं, अगर आप 10,000 रुपीज 1 year के लिए डिपॉजिट करेंगे तो 1,000 रुपीज बढ़ जाएगी, 1 month के लिए डिपॉजिट करेंगे तो 83.33 बढ़ेगी, और अगर 1 day के लिए करेंगे तो 2.75। टाइम बढ़ाते जाए वैल्यू बढ़ जाएगी, कम कर देंगे वैल्यू कम बढ़ेगी। और हम इसे पूरे चैप्टर में स्मॉल टी या स्मॉल एन में से किसी एक से नोट कर सकते हैं या करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द अमाउंट विच इज चार्ज बाय यूज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। ध्यान से समझे, मनी की वैल्यू के जो बढ़ने की स्पीड है वो कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि रेट क्या है, और ये डिक्लेयर करता है आरबीआई। अगर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो जो मनी के वैल्यू के बढ़ने की स्पीड है वह फास्ट हो जाएगी, और अगर आरबीआई ने रेट कम कर दिया तो जो मनी के वैल्यू के बढ़ने की स्पीड है वह स्लो हो जाएगी। और हम इसे इस पूरे चैप्टर में आर से नोट करेंगे जो परसेंटेज साइन के साथ बढ़ेगा। मीनिंग ये जरा समझे, ये जो वैल्यू बढ़ी है 6 years में 16,000 या 1 year में, ये इस बेस पर बढ़ रही है कि आरबीआई ने रेट क्या दिया है। अगर आरबीआई रेट बढ़ा दे 20% कर दे या 10% कर दे तो ये जो 6 years में वैल्यूज बढ़ रही है वो और तेजी से बढ़ेंगी, फास्ट हो जाएगी इनकी बढ़ने की स्पीड। तो यही आर है जो रेट कहा जाता है, इसे परसेंटेज साइन के साथ नोट करते। प्रैक्टिकल लाइफ में या आपके सिलेबस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के केवल 2 मेथड्स होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एवरी ईयर अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होता है वह इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूले यूज किए गए, एक सिंपल इंटरेस्ट का ईयर्स का फार्मूला, दूसरा मंथ्स का फार्मूला, और तीसरा डेज का फार्मूला। जो क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंगली हम फार्मूला यूज करेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है?
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट जिसे कंपाउंड अमाउंट कहा जाता है इसे कैलकुलेट करने का फार्मूला पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड टेस्ट पर एन, यह फार्मूला यूज किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किन फॉर्मूलेस के बेस पर एक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अज्यूम करें कि कोई एक पर्सन 100 रुपीस किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है, 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे दिया जाता है 10% सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो इसकी मीनिंग यह है, फर्स्ट ईयर में 100 रुपीस बैंक में डिपॉजिट किया गया, फर्स्ट ईयर में 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीस, सेकेंड ईयर फिर 100 रुपीस ही पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वह इंटरेस्ट कितना आएगा अगेन 10 रुपीस, थर्ड ईयर फिर 100 रुपीस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगेन इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीस। इसकी मीनिंग टोटल इन 3 इयर्स में जो इंटरेस्ट मिला वो कितने रुपीस का मिला, 30 रुपीस का। हम जनरली इस एक्सप्लेनेशन को यूज नहीं करते, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, और इसके अकॉर्डिंगली हम पा जाते हैं 100 इंटू 10 इंटू 3 बाई 100, यह आ जाता है 30 रुपीज। यह इंटरेस्ट की वैल्यू है, हमने कैलकुलेट किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अगर आपने 100 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट किया, 3 इयर्स के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी मीनिंग, फर्स्ट ईयर में आपने जिस 100 रुपीज को डिपॉजिट किया, 100 रुपीज पर 10% का इंटरेस्ट मिला, मीनिंग 10 रुपीज का इंटरेस्ट मिला, ये 10 रुपीज 100 रुपीज में एड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 110। सेकेंड ईयर अब आप 100 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, 110 पर करेंगे, और 110 का 10% बनता है 11 रुपीज, ये 11 फिर 110 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 रुपीज। थर्ड ईयर 121 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ये आएगा 12.1, और 12.1 को 121 में ऐड करने के बाद ये आता है 133.1 रुपीज। हम इस एक्सप्लेनेशन को भी यूज नहीं करते, इस 133.1 को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं A=P1+R/100^n, और इसके अकॉर्डिंगली P के लिए आप लिखेंगे 100, P means original principal जो आप ट्रांजेक्शन में यूज कर रहे हैं, 1+10/100^3, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 1.1^3, फाइनली आंसर आप आ जाएंगे 1.1^3 की वैल्यू 1.331 पुट करने के बाद 133.1। लेकिन इन दोनों एक्सप्लेनेशंस के बेस पर कई क्वेश्चंस रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का एक्सप्लेनेशन था, या सिंपल इंटरेस्ट में हम सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज कर रहे हैं, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन में अमाउंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला यूज करना चाहिए, या अगर सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट होना चाहिए, जबकि ऐसा हम नहीं करते, ऐसा क्यों? पहला क्वेश्चन, अब आप समझें इसे। सिंपल इंटरेस्ट का जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें जो लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू हम पाते हैं वह सिंपल इंटरेस्ट की ही पाते हैं, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन में लास्ट जो कैलकुलेटेड वैल्यू हम पाते हैं वो कंपाउंड अमाउंट की बात है। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन में पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी क्वेश्चन में पहले अमाउंट का फार्मूला लगाया जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप अमाउंट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे,
और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली वह आता है 130 रुपीज। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं जो इस फॉर्मूले से करेंगे, और ये आता है 133.1 माइनस 100 33.1 रुपीज। तो दो स्टेटमेंट हमें मिले इन एक्सप्लेनेशंस के बेस पर। पहला स्टेटमेंट हमें यह मिला कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाए, हमसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पहले लगाना चाहिए, अमाउंट का फार्मूला उसके बाद लगाना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट हमें मिला कंपाउंड इंटरेस्ट के एक्सप्लेनेशन में अमाउंट का फार्मूला पहले लगाना चाहिए, इंटरेस्ट का फार्मूला बाद में लगाना चाहिए। तो पहले इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमें पहले लगाना चाहिए, पी इन टू आर इन टू टी बाई 100। अमाउंट का फार्मूला हम इसके बाद लगा सकते हैं अगर जरूरत हो तो, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का फार्मूला पहले इंटरेस्ट का फार्मूला इसके बाद, पूछा जाए या ना पूछा जाए। अगर कोई क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, आपसे इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तब भी हम पहले अमाउंट लगाएंगे फिर इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन है अमाउंट की इंफॉर्मेशन गिवन है, तब भी हम पहले इंटरेस्ट लगाएंगे फिर अमाउंट लगाएंगे। ये दो स्टेटमेंट्स तो मिले। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दें, सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलता है 10 रुपीज का, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 रुपीज ही मिलता है। तो इसकी मीनिंग क्या है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर एक साल के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को करने के लिए आपसे कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें तो पाते हैं 30 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलता है 33.1 रुपीज। लम रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से अधिक होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ये वह फोर स्टेटमेंट्स हैं जिसके बेस पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। देखिए, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कुछ और होता है, परमुटेशन में कुछ और होता है, लॉगरिथम में कुछ और होता है। इस चैप्टर में क्या है वह सुने, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसेस हमारे लिए इजी कब हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिया जाए, सबसे पहले उस चैप्टर में कौन क्या है ये चेक कर, जितने जल्दी ये सीख लेंगे उतने जल्दी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार फिर समझे मैं क्या कह रहा हूं, जो भी आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया उस क्वेश्चन को रीड करें और उससे नोटेशंस को डिफाइन करें, जितने जल्दी ये कर लेंगे उतने जल्दी आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नोटेशंस क्या है, नोटेशंस आप केवल इस चैप्टर में केवल 4 वर्ड्स यूज करने वाले, मीनिंग 4 वर्ड्स 4 अल्फाबेट्स के नोटेशंस यही, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड अमाउंट, फोर्थ टाइम पीरियड। एक बार फिर समझे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, टाइम पीरियड, ये 4 वर्ड्स हैं जिसे आप इस पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। और किसी क्वेश्चन को रीड करके अगर आपने इन चारों को डिफाइन कर लिया, डिनोट कर लिया, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझें कि इन चारों को हम डिफाइन करेंगे कैसे, ध्यान से समझें। किसी भी दो पार्टी के बीच में जो इनिशियल फिगर ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है उसे प्रिंसिपल वैल्यू कह दिया जाए। प्रिंसिपल से एक्सेस 1 रुपए भी अगर अधिक आपको मिलता है तो वह इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो यह अमाउंट बन जाएगा, और जितने ईयर्स के लिए ट्रांजैक्शन में यूज किया जाएगा कोई प्रिंसिपल वैल्यू उसे हम टाइम पीरियड कह देंगे।
एक एग्जांपल से समझे। मैंने बैंक से 1,00,000 रुपीज का लोन लिया 5 years के लिए। बैंक को मैंने रिटर्न किया 1,20,000 रुपीज। मेरे और बैंक के बीच में कौन क्या है? 1,00,000 रुपीज क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। इंटरेस्ट क्या है? अब जरा देखें, 1,00,000 से एक्सेस हमने कितना दिया है? 20,000 दिया है। तो 20,000 क्या है? इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दे, मीनिंग 1,20,000 रुपीज अमाउंट है। टाइम पीरियड कितना है? 5 years। जितने जल्दी ये डिफाइन आप कर लेंगे उतने जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल से क्लियर करें, किसी एक पर्सन ने मुझे 1,000 रुपीज रखने के लिए दिया, किसी एक पर्सन ने मुझे 1,000 रुपीज रखने के लिए दिया 2 साल के लिए। 2 साल बाद मैंने उसे 1,500 रुपीज रिटर्न कर दिया। मेरे और उस पर्सन के बीच में कौन क्या है? 1,000 क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। इंटरेस्ट कितना है? 500, क्योंकि मैंने उसे रिटर्न किया था 1,500। तो 1,000 से एक्सेस हमने कितना दिया? 500। तो इंटरेस्ट 500। अमाउंट कितना हुआ? 1,500, क्योंकि वही हमने दिया है प्रिंसिपल में ऐड करके इंटरेस्ट। टाइम पीरियड कितना है? 2 years। जितने जल्दी और इजीली ये आपके समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट में कौन क्या है, उतने ही जल्दी और इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लें कोई एक पर्सन 1,000 रुपीज का लोन लेता है किसी एक बैंक से, और उस लोन को क्लियर करने के लिए उससे कहा गया कि उसे पे करना है 1,020 रुपीज, और उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 5%, 10% मान लें, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, 10% सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इस लोन को कितने दिनों बाद उसे क्लियर कर देना चाहिए? समझे एक बार फिर क्वेश्चन मैंने क्या कहा। एक कोई पर्सन 1,000 रुपीज का कहीं से लोन लेता है, उस लोन को क्लियर करने के लिए कहा गया कि 1,020 रुपीज उसे पे करना है, उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने दिनों बाद उसे लोन को क्लियर कर देना चाहिए? एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन हम नोटेशंस तो डिफाइन कर ही सकते हैं। देखते हैं, ये 1,000 क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। 1,020 क्या है? अमाउंट है जो हम पे करेंगे। ए 1,020 है। अगर अमाउंट 1,020 है तो इंटरेस्ट कितना होगा? देखें, इंटरेस्ट है 20 रुपीज, क्योंकि 1,000 रुपीज का लोन लिया गया, 1,020 रुपीज पे किया गया, तो 20 रुपीज ही तो हमने इंटरेस्ट दिया ना। अब ये इंटरेस्ट क्या है? ये तो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सिंपल इंटरेस्ट की है तो ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। रेट क्या है? किस रेट के बेस पर ये कैलकुलेट किया गया? ध्यान दें, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट अलग है और रेट अलग, रेट के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कंफ्यूज ना करें। आर है 10% सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछा गया है हमसे? टाइम पीरियड पूछा गया, और वो भी किस में पूछा गया है? डेज में पूछा गया। हमने ये नोटेशंस क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिख लिया है। अब चेक करें कि इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें फार्मूला क्या लगाना चाहिए। फार्मूला हमें सिंपल इंटरेस्ट वाला लगाना चाहिए। कौन सा? डेज वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट के डेज वाला फार्मूला यह है, पी इंटू आर इंटू डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। अच्छा, एक बात मैं यहां और भी क्लियर कर दूं कि अगर किसी क्वेश्चन में ईयर्स मेंशन है और वो ईयर्स लीप ईयर है, जो ईयर्स मेंशन है, ईयर्स कुछ भी हो सकता है, वो अगर वह लीप ईयर है तो डिवीजन फॉर्म में 365 के जगह पर 366 लिखेंगे, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन और बढ़ जाता है, फरवरी 29 डेज की होती है। और क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा? वह ईयर जो 4 से डिवाइड होता है वह ईयर लीप ईयर कहा जाता है। जैसे 2020, तो अगर 2020 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि यह क्वेश्चन लीप ईयर का है।
और उस क्वेश्चन में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो डिवीजन फॉर्म में 365 के जगह पर 366 लिखेंगे। चलिए तो अभी हम इसे हटाते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हम सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है 20, पी के जगह पर 1000, आर के जगह पर 10 डेज हमसे पूछा गया, डिवाइडेड बाय 365 × 100। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 100 से ये कैंसिल, 10 से ये कैंसिल, तो डेज इक्वल्स टू 365 × 2 डिवाइडेड बाय 10 लिया जाएगा 73। मीनिंग इस लोन को 73 डेज में क्लियर कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी था, मुश्किल था? अगर ये पूछा जाए तो सभी स्टूडेंट्स कहेंगे इजी था। क्यों इजी था, रीजन जरा समझ लेते हैं। क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स के बेस पर नोटेशंस डिफाइन कर लिया था। जितने जल्दी और इजीली ये कर लेंगे उतने ही जल्दी क्लिक कर जाएगा कि हमें फार्मूला क्या लगाना चाहिए, और फार्मूला लगाते ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो हमें यही करना है, इस पूरे चैप्टर नोटेशन आप सही डिफाइन करें। और यह भी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में केवल यही फोर वर्ड्स हैं जिसे मैं यूज करूंगा। कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, टाइम, और कुछ यूज नहीं करूंगा, केवल यही फोर वर्ड्स हैं। हाँ, डिनोट करने के तरीके अलग अलग फॉर्मूलेज में अलग अलग हो जाएंगे, वो मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन वर्ड्स इतने ही। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें इयर्स अगर दिया जाता है, मीनिंग टाइम पीरियड दिया जाता है, तो रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, और कुछ क्वेश्चंस में रेट दिया जाता है तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन क्वेश्चंस के लिए पहले हम ट्रिक्स भी देख लेंगे और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का पैटर्न भी देख लेंगे। दोनों में से जो इजी आपको लगेगा हम वही यूज कर लेंगे। तो पहले ट्रिक्स देख लेते हैं क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है रेट और टाइम पीरियड से रिलेटेड, जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आंसर फाइंड करने के लिए ध्यान दें, ये फॉर सिंपल इंटरेस्ट, मीनिंग केवल सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। इन केस ऑफ डबल हो सकता है, जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं अभी समझ में ना आए, इन केस ऑफ डबल आंसर इक्वल्स टू 200 100 डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू, 100 डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू, एंड इन केस ऑफ ट्रिपल 200 बाय गिवन। डबल को ट्रिपल हो, रेट दिया जाए, टाइम पूछा जाए, या टाइम दिया जाए, रेट पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वह शॉर्टकट ट्रिक है, विदाउट पेन पेपर आप आंसर बता देंगे, क्योंकि जिस एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हैं केवल मल्टीपल चॉइस में एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोई पूछने वाला नहीं है आंसर कैसे आया। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए बार बार बता रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि यह है क्या शॉर्टकट ट्रिक, इसलिए कि जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। हम दोनों इसीलिए कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इसलिए कि हमारे समझ में आ जाए क्या है, और शॉर्टकट ट्रिक इसलिए कि जिससे जल्दी आंसर आ जाए। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद इन ट्रिक्स को यूज करेंगे उसमें, और देखेंगे क्या आंसर आना चाहिए। देखिए पहला, इन हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स अ सम विल बी डबल, a sum will be double at the rate of 10% ही रहने दें, 10% सिंपल इंटरेस्ट, स्पेस में छोड़ दे रहा हूं, दूसरे क्वेश्चन को यहां लिखते हैं, इन हाउ मेनी इयर्स a sum will be triple at the rate of
11% simple interest. Next question. At what rate of simple interest a sum will be double in 8 years? Next question. At what rate of simple interest a sum will be triple in 12 years? अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है, ये तो सही है, डबल की इंफॉर्मेशन फॉर सिंपल इंटरेस्ट डबल के केस में आंसर क्या होना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू कौन सी है, 10 हो गया आंसर, 10। अब क्योंकि हमसे इयर्स पूछा गया है तो 10 इयर्स। विदाउट पेन पेपर केवल कैलकुलेटर यूज करें, आप केवल ये देखें डबल है ट्रिपल है, ये क्वेश्चन दूसरा देखें ट्रिपल है डबल है ट्रिपल है, गिवन क्या है 11, ट्रिपल के केस में 200/11 हो गया आंसर, 200/11। थर्ड क्वेश्चन डबल है ट्रिपल है, डबल है, गिवन वैल्यू क्या है 800/8 हो गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन डबल है ट्रिपल है, ट्रिपल है, गिवन वैल्यू 200/12 हो गया आंसर। विदाउट पेन पेपर केवल कैलकुलेटर यूज करें, सही आंसर तुरंत बता दें। लेकिन ध्यान रहे ये ट्रिक केवल सिंपल इंटरेस्ट में है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं, क्योंकि इसीलिए मैंने लिखा है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे होता है ये आगे आपको बता दिया जाए। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे ऐसे बना दिया हमने 100/something 200/something। चलिए एक्सप्लेनेशन भी सीख लेते हैं, देखते हैं आगे। अच्छा डबल की मीनिंग क्या होती है, डबल की मीनिंग जिसे हमने डिपॉजिट किया वही एक बार और, डबल यही तो होता है। 100 rupees हमने डिपॉजिट किया, डबल की मीनिंग 100 हमें इंटरेस्ट मिल जाए तभी तो 200 हुआ। एक पेन हमने डिपॉजिट किया, डबल की मीनिंग हमें 2 pen मिल जाए। 100 rupees डिपॉजिट किया, डबल की मीनिंग 200 मिल जाए। 500 डिपॉजिट किया, डबल की मीनिंग 1000 मिल जाए, यही तो होता है ना। 1000 डिपॉजिट किया, 2000 मिल जाए। जरा समझे, 1000 हमने डिपॉजिट किया और डबल की मीनिंग 200 में मिल जाए, इसकी मीनिंग इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल कितना है 100 और इंटरेस्ट कितना है वो भी तो 100 ही हुआ। इसकी मीनिंग जितना हमने डिपॉजिट किया उतना ही तो मिलेगा हमें, तभी तो ये डबल होगा। और ट्रिपल के केस में क्या हुआ, अच्छा डबल का एक और एग्जाम्पल देख ले पहले। अगर हमने 1000 rupees डिपॉजिट किया, डबल की मीनिंग क्या है 2000 मिला, तो इंटरेस्ट कितना मिला, P तो 1000 है, इंटरेस्ट कितना मिला 1000। अगर ₹P हम डिपॉजिट करते हैं तो कितना मिला डबल के केस में 2P, तो इसकी मीनिंग प्रिंसिपल भी P है और इंटरेस्ट भी P ही है। अब चलते हैं ट्रिपल पर, ट्रिपल की मीनिंग अगर आप 100 rupees डिपॉजिट करते हैं तो ट्रिपल में आपको रिटर्न मिला 300 का, तो इसकी मीनिंग आपने 100 rupees को डिपॉजिट किया तो इंटरेस्ट आपको 200 मिला। दूसरे एग्जांपल में अगर आपने 500 rupees डिपॉजिट किया है तो ट्रिपल की मीनिंग आपको 1500 मिला, 1500 मिला, इसकी मीनिंग प्रिंसिपल आपका 500 है तो इंटरेस्ट कितना हुआ 1000। मीनिंग जितना आप डिपॉजिट करेंगे उसका डबल आपको इंटरेस्ट मिलेगा तब ट्रिपल बनेगा, समझे, जितना आपने डिपॉजिट किया उसका डबल आपको इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट ट्रिपल हुआ। तो अगर हम ₹P डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट तो आपको 2P मिलना चाहिए, तभी तो ये 3P होगा। ट्रिपल की मीनिंग यही है, जिसे आपने डिपॉजिट किया
इंटरेस्ट उसका डबल मिला हमें, पी रूपीज आपने डिपॉजिट किया तो इंटरेस्ट कितना मिला, टू पी मिला। चल ये तो क्लियर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी इयर्स अ सम विल बी डबल एट द रेट ऑफ 10%। 10% तो यहां हम आर इक्वल टू लगाते हैं 10%, दोनों एग्जांपल को साइमल्टेनियसली मैं बता रहा हूं। देखें यहां ये है, यहां ये है, दो पेन चूज कर लेते हैं। चलिए देखें, तो अब इसमें अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले में पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट के जगह पर क्या लिखेंगे, यहां पी रूपीज, देखें पी, और प्रिंसिपल भी क्या है पी, और आर क्या है 10 इंटू टी बाई 100। पीपी एक दूसरे से कैंसिल, 100 बाई 10 इक्वल टू टी, दैट इज टी इक्वल टू 10 बाई 100 बाई 10, यही तो मैंने लिखा है पहले में, जरा देखें 100 बाई 10 ही तो लिखा था शॉर्टकट ट्रिक में, एक्सप्लेनेशन से भी तो उतना ही आया, क्या फर्क पड़ता है, आंसर ही तो आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन में एक और देखें, या देखें 100 का भी, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को लगाते हैं तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर 100, पी के लिए भी 100, आर 10, टाइम पीरियड टी बाई 100, 100 100 कैंसिल, टी इक्वल टू 100 बाई 10, अभी भी तो वही है, चेक करके देख लें, वही तो है। तो अगर आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहते हैं शॉर्टकट ट्रिक लगा लें, सुखी रहें, और अगर शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन से सॉल्व कर लें, चॉइस आपकी। ट्रिपल के केस में देखें, ये एग्जांपल है, ट्रिपल का कौन सा एग्जांपल लिया जाए, ये मान ले लास्ट का ही ले लेते हैं, ये देखें लास्ट ही। इसमें हमें टाइम पीरियड दिया गया है 12 इयर्स, तो इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला लगाया पी इन टू आर इन टू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर अब हम लिखेंगे 2p, प्रिंसिपल के जगह पर पी, आर के जगह पर आर क्योंकि आर गिवन नहीं है, टी के जगह पर 12 बाई 100, पी एक दूसरे से कैंसिल, यह हुआ 200 बाई 12 आर, तो आर इक्वल टू हुआ 200 बाई 12। चेक करके देखें, ये 200 बाई 12 भी तो लिखा है, तो क्या फर्क पड़ता है, शॉर्टकट ट्रिक लगाए आंसर फाइंड करें। डबल और ट्रिपल के केस में कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, रेट दिया जाए टाइम पीरियड पूछा जाए या टाइम पीरियड दिया जाए रेट पूछा जाए, आप यही फॉर्मूला लगा दें। लेकिन ध्यान रहे, अगर रेट दिया जाता है तो आंसर हमारा ईयर्स में आएगा, टाइम पीरियड में आएगा, और अगर टाइम पीरियड दिया जाता है तो जो आंसर आएगा वह परसेंटेज पर आएगा, रेट आएगा। देखिए इन हाउ मेनी ईयर्स, तो जो टाइम आएगा वो ईयर्स में आएगा, इन हाउ मेनी ईयर्स ईयर्स में आया, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर आया, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर आया, इस तरह से आएगा। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का आगे आपको बताया जाएगा।